हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। आज हम बात करेंगे कंडेंसर मोटर के बारे में कि कंडेंसर मोटर को किस तरह से कनेक्शन करते हैं और उस मोटर में क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। तो जैसे कि मुझसे किसी ने कमेंट किया था कि एक कंडेंसर मोटर है जो कि कुछ देर चलने के बाद खुद से ऑफ हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कंडेंसर अगर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जा रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे एक सिंगल फेस मोटर है जो कि एक कंडेंसर फैन का मोटर है। तो जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा था कि एक मोटर है जो कि स्प्लिट एसी का मोटर है, वो थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है। तो इसके तीन चार रीजन्स हो सकते हैं। एक तो ये रीज़न है कि मोटर का वाइंडिंग ख़राब हो गया हो जो कि हीट होकर कभी कभी बंद हो जाता है, या फिर कैपेसिटर वीक हो तो भी कंडेंसर मोटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो और एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखा है कि अगर कोई मोटर जिसमें के यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 6UF, ये जो 6UF लिखा हुआ है ये कैपेसिटर का वैल्यू है कि हम इसमें कितने UF का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने एक कंडेंसर मोटर पे देखा था जिसका वैल्यू 2.5 था, यहाँ पे 6UF है, यहाँ पे 2.5 वैल्यू लिखा हुआ था, पर उसमें कैपेसिटर 5 MFD का कैपेसिटर यूज़ करने की वजह से वो मोटर थोड़ी देर चलने के बाद वापस से बंद हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि अगर आप मोटर में, कंडेंसर मोटर में ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी मोटर थोड़ी देर चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पे इस कैपेसिटर कंडेंसर मोटर का एम्पियर, ये है इसका वैल्यू कि कितना MFD का कैपेसिटर हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे है वोल्ट। थ्री फेस मोटर में आपको रोटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, इस मोटर में रोटेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये एक ही डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। थ्री फेस मोटर में कभी कभी रोटेशन का प्रॉब्लम आता है कि मोटर उल्टा घूमता है, उस समय पे मोटर का रोटेशन चेंज करने के लिए आप दो फेस को इंटरचेंज करेंगे, मतलब दो फेस को चेंज करेंगे। जैसे कि अगर RYB कनेक्शन किया गया है तो Y और B का प्लेस चेंज करके दोनों को अपोजिट कनेक्ट करेंगे तो उससे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। थ्री फेस मोटर में हम कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट थ्री फेस से कनेक्ट हो जाता है। तो यह है कुछ प्रॉब्लम कि सिंगल फेस मोटर में अगर मोटर बंद हो जा रहा है तो उसका प्रॉब्लम या तो कैपेसिटर होगा, या मोटर का वाइंडिंग डिफेक्ट होगा, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में अगर आप उसके वैल्यू से ज़्यादा का कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो भी कंडेंसर मोटर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाएगा। या फिर कुछ मोटर में, जैसे कि फैन कॉइल का मोटर होता है जिसमें कि मिनिमम 10 MFD का कैपेसिटर रिक्वायर्ड होता है, अगर आप उसमें 10 MFD की जगह 15 MFD का कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो वो मोटर चलेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, पर वो मोटर कुछ दिनों के बाद जल जाएगा, मतलब जो उसका वाइंडिंग है वो हीट होकर जल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी मोटर में जितना वैल्यू उसके स्टिकर पे दिया गया है उससे ज़्यादा का वैल्यू का कैपेसिटर हम यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे मोटर के वाइंडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो यह है कुछ रीज़न कि मोटर किस वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये थे कुछ रीज़न जिस वजह से कंडेंसर मोटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाता है या फिर मोटर ख़राब हो जाता है। अगर हम उसमें सही वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं तो उससे मोटर डैमेज हो सकता है। तो आज के वीडियो पे बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।